नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिन ऑयच पे। IFCA में आपने भी खरीदारी किया है क्या, या फिर आपको क्या लगता है IFCA के शेयर को लेकर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए IFCA को अगर देखते हैं हम लोग तो क्या चल रहा है इसमें, तो IFCA के शेयर में कुछ दिन पहले एक जबरदस्त गिरावट बना और उसके बाद जैसे ही IFCA को लेकर अपडेट आया जहां पे IFCA जो है 500 करोड़ के आसपास जो उठकर जो शेयर से वो गवर्नमेंट को दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास अगर देखते हैं तो IFCA का जो स्टेक है वहां पे, मतलब गवर्नमेंट को जो यहाँ पे IFCA की ओर से और ज्यादा स्टेक जो है दिया जा रहा है, तो उसके चलते इन्वेस्टर्स को इसमें बुलिश लेवल लगा और शेयर में जो खरीदारी कर लिया, उनको लगा कि अभी गवर्नमेंट को और ज्यादा स्टेक्स दे रहा है तो आगे चल के कंपनी आके मतलब एक इसके शेयर में तेजी बन सकते हैं। तो डिटेल में एक बार समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो स्टेक दे, मतलब जो स्टेक दे रहा है IFCA में, तो उसके चलते शेयर में क्यों तेजी बन रहा है। और अभी देखेंगे तो शेयर में फिर से एक बार गिरावट बना, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं दोस्तों IFCA के शेयर में ज्यादा प्राइस में शेयर को खरीद के रखा है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा। तो ऐसे चीजों में हमें लगता है कि नहीं फंसना चाहिए कि कोई भी शेयर थोड़ा बढ़ता है तो उसमें ज्यादा टारगेट प्राइस के लिए खरीदारी कर लेते हैं। तो अभी इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे दोस्तों IFCA के शेयर में चल क्या रहा है और क्या करना चाहिए IFCA के शेयर में। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन ऑयच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। IFCA का दोस्तों एक दिन में देख सकते हैं लगभग 1.9% के आसपास ये शेयर डाउन हुआ है IFCA का। एक हफ्ते में बात करते हैं कुछ खास तेजी वगैरह देखने को नहीं मिला IFCA के शेयर में, और एक महीने में बात करते हैं 9.7% का डाउन हुआ ये शेयर। तो कुछ खास तेजी नहीं बना है IFCA के शेयर में। आपको ये समझना है कि IFCA का जो अभी बिजनेस है, मतलब जो Q3 24 का रिजल्ट भी आया था, कुछ खास रिजल्ट नहीं था। अभी इसको लेके IFCA को लेके गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे अपडेट्स भी देखने को मिला है जहां पे गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि IFCA को थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब बनाया जाए IFCA में, और यहाँ पे जो IFCA में हो सकता है कि आगे चल के गवर्नमेंट की ओर से कुछ कैपिटल भी दिया जाए और IFCA का जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसको मर्ज किया जाए IFCA के साथ। तो अभी यहाँ पे आए जो IFCA का ड्यूरेबिलिटी है जो कि 35 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 15.50 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 62.40 है आउट ऑफ 100। अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं वन मंथ में IFCA के शेयर में क्या हुआ है। आप देख सकते हैं जो एक महीने का इसका हाई प्राइस है 47 रुपीज का और जो लो प्राइस है 35.80 पैसे का। शेयर यहाँ पे लगभग बोल सकते हैं कि जबरदस्त एक तेजी बनाया था। अभी एक हफ्ते का देखते हैं दोस्तों जो हाई प्राइस बनाया है 41.30 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 38.55 पैसे का। हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपके पास IFCA का शेयर है। अभी IFCA का जो बोल सकते कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है IFCA का जो कि 9871.3 करोड़ के आसपास है। तो अभी थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। देखिए इसका जो Q3 24 का रिजल्ट आया था, Q3 24 का जो रिजल्ट आया था उसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं जहां पे जो टोटल रेवेन्यू था IFCA का 34.1% का जंप हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30.1% का जंप था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25.3% का डाउन हुआ था, EBITDA 21.5% डाउन हुआ था एंड ओवरऑल अगर देखते हैं जो इसका नेट प्रॉफिट था IFCA का, नेट प्रॉफिट जो है 57.4% डाउन हुआ था। तो दोस्तों जो इसका Q3 24 का रिजल्ट आया था वो कुछ खास रिजल्ट नहीं था IFCA का। उसके बाद ही अगर देखते हैं तो एक जबरदस्त डाउन हुआ था IFCA का शेयर। टेक्निकली कैसा है ये शेयर, टेक्निकली देखिए, टेक्निकली बोल सकते कि लगभग एक बुलिश लेवल पे के आसपास है शेयर, ये लगभग एक बुलिश लेवल बना रही है। यहाँ पे RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, और वही दोस्तों MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक 42 लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी ये शेयर में हमें नहीं लगता है कि मतलब अभी IFCA के शेयर में खरीदारी करना चाहिए। BSE और NSE मिला के एक दिन का जो एवरेज देखने को मिल रहा है जो कि 9.3 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 64% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 5.9 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE/NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 11.7 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 56.6% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है दोस्तों 6.6 मिलियन का है। एक महीने का BSE/NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 13.6 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 46.7% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 6.3 मिलियन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग को थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जो प्रोमोटर्स है IFCA का,
70.32% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास, FIS के पास 2.08% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.03% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.01% का स्टेक है, पब्लिक के पास 20. अभी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों को IFCI के शेयर से एक अच्छा खासा मुनाफा मिला है, ऐसे बहुत सारे आपको इन्वेस्टर देखने को मिलेगा. तो उन लोगों का मानना रहेगा कि ये शेयर जो एक अच्छा शेयर है, मतलब जो अच्छा रिटर्न दिया है. और ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी यहाँ पे ज्यादा टारगेट प्राइस के लिए खरीद कर रखा है. यहाँ पे अगर देखते हैं IFCI का, लगभग बोल सकते कि आप देख सकते जो बताया जा रहा है कि शेयर प्राइस जो है लगभग 1100% 4 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है. मतलब यहाँ पे लगभग 1100% के आसपास एक साल में IFCI के शेयर ने रिटर्न दिया है. 3.50 पैसे का शेयर था, 40.70 पैसा ये शेयर पहुंचा है. तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको यहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न मिला है IFCI के शेयर में. कुछ दिन पहले की बात करते हैं IFCI के शेयर में जो है लगभग अपर सर्किट लग गया था, 5% के आसपास ये शेयर IFCI के अपर सर्किट दिया था. क्योंकि IFCI के जो बोर्ड है अप्रूव किया था जो प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफ इक्विटी है शेयर्स का, वो गवर्नमेंट को देगा करके 500 करोड़ का उसका जो है ये शेयर्स है जो कि गवर्नमेंट को देगा. तो लगभग अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट के पास अभी 72.32% का स्टेक है. अभी यहाँ पे और स्टेक जो है गवर्नमेंट को अलॉट किया जाएगा या फिर दिया जाएगा IFCI के ओर से. तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे एक मौका लगा कि शेयर में खरीदारी कर लेते हैं. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे ज्यादा प्राइस में खरीदारी किया है. दोस्तों हमेशा अगर देखते हैं तो कोई भी शेयर हम लोग जो खरीदारी करते हैं तो हमें लगता है कि एक सही दाम पे ही खरीदना चाहिए. ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा तो आप खरीद लेंगे तो उसमें और ज्यादा तेजी बनेगा. तो वो सब एक बार डिटेल में रिसर्च कर लेना चाहिए. और म्यूचुअल फंड्स जो है उसका देख सकते हैं IFCI के शेयर में जो कि 0.02% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने जो है स्टेक बढ़ा के यहाँ पे 0.03% का कर दिया है. वही दोस्तों बात करते हैं IFCI का शेयर पिछले 3 महीने में देखते हैं तो पिछले 3 मंथ्स का जो इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे 40.5% इसने रिटर्न दिया है. अभी यहाँ पे FIS जो है FIS के पास देख सकते हैं 1.87% का स्टेक था, FIS ने स्टेक बढ़ा के 2.08% का कर दिया है. एंड वही दोस्तों बात करते हैं IFCI का, अभी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे प्रॉफिट जो है पिछले 2 क्वार्टर का देखते हैं प्रॉफिट IFCI का जो कि 96.2 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट था, वो घटके जो है वो डाउन होके 17.91 करोड़ का हुआ है. और पर क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट है 81.4% के आसपास डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है. रिटेल जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल जो शेयर होल्डर्स है, उनके पास 21.77% का स्टेक था, स्टेक घटा के 21.56% का कर दिया है. ओवरऑल हमें नहीं लगता है कि दोस्तों IFCI के शेयर में अभी खरीदारी करना चाहिए. हो सकता है कि आगे चल के कंपनी में गवर्नमेंट की ओर से कुछ कैपिटल दिया जाए, इसका जो सब्सिडरी उसको सब मर्ज किया जाए, उसके बाद हो सकता है कि इसमें एक अच्छा खासा तेजी बनता हुआ देखने को मिले. अभी यहाँ पे IFCI का जो एक दिन का लो प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 39.55 पैसे का है, और जो हाई प्राइस बनाया है 41.30 पैसे का हाई प्राइस दिया है. 52 का लो प्राइस देखिए 9 रुपीज का है, और 52 का हाई प्राइस देखिए 71.80 पैसे का है. वही दोस्तों 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं IFCI के शेयर का जो कि 13.62% शेयर ये डाउन हुआ है. 3 मंथ का रिटर्न 36.02% का दिया है रिटर्न, और 1 साल का देखते हैं जो कि 1 ईयर का देखते हैं जो कि लगभग 319.50% के आसपास जो इसने रिटर्न दिया है. आपको कैसा लगता है दोस्तों IFCI का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए. डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए. रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है. उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए.